नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ, जहां कोरोना महामारी के कारण 12वीं के छात्रों के मूल्यांकन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में आज इस बात पर सुनवाई हुई कि CBSE और ICSE समेत राज्य बोर्ड 12वीं के छात्रों को मार्किंग किस आधार पर करेंगे। मार्किंग को लेकर बोर्ड की ओर से सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रिया का ब्यौरा रखा गया। पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। CBSE और ICSE ने छात्रों को नंबर देने के लिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तय करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से समय की मांग की थी। CBSE की ओर से 12वीं का रिजल्ट तैयार करने को लेकर गठित कमेटी ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश की है। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को मूल्यांकन नीति तय करने के लिए 14 दिनों का समय मांगा था। सुनवाई के दौरान AG ने 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला बताया। CBSE ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 12वीं कक्षा के परिणाम के 10वीं और 11वीं और 12वीं के परिणामों को जोड़कर किए जाएंगे। CBSE 12वीं के रिजल्ट के लिए 10वीं, 11वीं और 12वीं के नंबर जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है। CBSE का 13 सदस्यीय पैनल 10वीं, 11वीं और 12वीं के नंबर 30, 30 और 40 के अनुपात में जोकर रिजल्ट को तैयार करने के तरीके से राजी हुई है। मूल्यांकन क्रिटेरिया तय करने के लिए बनाए गए पैनल के सदस्य ने कहा कि केंद्र की तरफ से संचालित नवोदय विद्यालयों CBSE इससे जुड़े स्कूलों और अन्य स्कूलों से चर्चा की है। कोरोना मामले के कारण CBSE और ICSE की 12वीं की बोर्ड की परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया गया था। अब रिजल्ट जारी करने को लेकर CBSE की ओर से तैयारी की जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में CBSE 12वीं की रिजल्ट घोषित करने को लेकर सुनवाई हुई। CBSE ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। 12वीं के छात्रों की मार्किंग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से फॉर्मूला रख दिया गया है। सरकार ने बताया कि 10वीं की बोर्ड से 30% मार्क्स और 11वीं के आधार पर 30% मार्क्स और प्री बोर्ड के आधार पर 40% अंक दिए जाएंगे। क्या है रिजल्ट का फॉर्मूला? 10वीं से 30% टॉप 3 विषय जिनमें सबसे ज्यादा नंबर आए हों, 11वीं से 30% टॉप 3 विषय जिसमें सबसे ज्यादा नंबर आए हों और 12वीं प्री बोर्ड से 40% अंक मिलेंगे। क्या है अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा? 12वीं में नंबर देने को लेकर सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस तरह की स्थिति पहले कभी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि CBSE ने 11वीं, 10वीं और 12वीं प्री बोर्ड के रिजल्ट को जोड़ लिया है। 10वीं के 5 विषय में से 3 विषय में सबसे अच्छे मार्क्स लिए जाएंगे। नतीजे से अगर जो स्टूडेंट संतुष्ट नहीं है तो वह अपील कर सकते हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 12वीं के रिजल्ट 31 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्र अगर अपने नतीजे से संतुष्ट नहीं होंगे तो वो अपील कर सकते हैं। 12वीं के रिजल्ट का फॉर्मूला, 10वीं के 3 विषयों के आधार पर 30% अंक दिए जाएंगे, 11वीं के आधार पर 30% अंक दिए जाएंगे, प्री बोर्ड के आधार पर 40% अंक दिए जाएंगे। 13 सदस्यीय कमेटी ने किया गठन। CBSE बोर्ड की 12वीं की छात्रों का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। CBSE बोर्ड ने आज सुप्रीम कोर्ट में 12वीं रिजल्ट तैयार करने को लेकर इवेल्युएशन क्राइटेरिया पेश करेगी। CBSE बोर्ड की ओर से 12वीं रिजल्ट तैयार करने के लिए 13 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। इससे पहले जस्टिस AM खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने 3 जून की सुनवाई के दौरान कहा था कि कोई छात्र भारत और विदेशों के कॉलेजों में प्रवेश के लिए ठहरे हुए हैं, ऐसे में 2 सप्ताह की समय सीमा में कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा, इसीलिए सुनवाई को स्थगित नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में AG ने बहस की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इससे पहले इस तरह की परिस्थिति कभी नहीं आई। कोर्ट ने कहा कि पॉलिसी की एक कॉपी विकास सिंह को भी दे दे। AG ने कहा कि CBSE ने 10वीं, 11वीं और 12वीं प्री बोर्ड के रिजल्ट को लिया है। 10वीं के 5 विषय में से 3 विषय में से सबसे अच्छे मार्क्स को लिया जाएगा। 10वीं कक्षा के लिए 5 विषय ले लिए गए हैं और 3 में से सर्वश्रेष्ठ का औसत निकाला गया है। कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए प्रैक्टिकल होते हैं।
दसवीं से 30%, ग्यारहवीं से 30% और बारहवीं से 40% अंक लेंगे। इस तरह से उनके अंक निकलेंगे। सीबीएसई ने 4 जून 2021 को इवैल्यूएशन क्राइटेरिया तय करने के लिए 13 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। बारहवीं मूल्यांकन नीति तय करने के लिए समिति को 10 दिन का समय दिया गया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीआई को इवैल्यूएशन क्राइटेरिया तय करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया था। 31 जुलाई तक घोषित होगा सीबीएसई बारहवीं का रिजल्ट। मार्किंग फॉर्मूला तय, जो कि छात्र वर्तमान फॉर्मूले से मिले अंक और ग्रेडिंग से संतुष्ट नहीं होंगे, वे परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बारहवीं कक्षा के परिणाम 10वीं के 30%, 11वीं के 40% उनके सबसे जोड़ के लिया जाएगा। सीबीएसई बारहवीं के रिजल्ट के लिए 11वीं और 10वीं और 12वीं के नंबर्स जोड़े जाने पर निर्णय लिया गया है। 13 सदस्यीय पैनल ने यह 30-30-40 के अनुपात में जोड़कर रिजल्ट तैयार करने के तरीके पर राजी हुई है। मूल्यांकन क्राइटेरिया के तय करने के लिए बनाए गए पैनल के सदस्य ने कहा कि केंद्र की तरफ से संचालित नवोदय विद्यालयों सीबीएसई, इससे जुड़े हुए स्कूलों तथा अन्य स्कूलों से चर्चा की है। इसमें सामने आया कि इस बार जो बारहवीं का बैच है वो पूरी तरह से ऑनलाइन चला है। ऐसे में बहुत अनिश्चितता है, कॉलेजेस सामान्य स्थितियों में नहीं चली हैं और असेसमेंट भी पूरी तरह से नहीं पाई है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो छात्र वर्तमान तंत्र के माध्यम से अंक और ग्रेडिंग से संतुष्ट नहीं है, वे परीक्षाओं में शामिल होकर बेहतर कर सकते हैं और अपने अंकों में सुधार कर सकते हैं। रिजल्ट कैसे बनेगा? कमेटी ने बताया कि बारहवीं को ज्यादा तरहीज देने के बारे में सोच रही है। ओवरऑल बात की जाए तो 10वीं 11वीं के 30-30 और 12वीं के 40% वेट्स दिए जाने पर सहमति बनी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पिछले 3 दिनों की बोर्ड की परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन के संदर्भ में स्कूल के ऐतिहासिक प्रदर्शन को 2020-21 के लिए स्कूल द्वारा मूल्यांकन किए गए अंकों को मॉडरेट करने के संदर्भ के रूप में लिया जाएगा। सीबीएसई ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अपनी रिपोर्ट में कहा कि कक्षा 10वीं और 11वीं के दौरान स्टूडेंट्स के बेस्ट 5 में से 3 पेपर मार्क्स लिए जाएंगे। वहीं कक्षा 12वीं में स्टूडेंट्स के यूनिट टीम व प्रैक्टिकल के मार्क्स भी लिए जाएंगे। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द करने के बाद छात्र रिजल्ट को लेकर चिंतित थे, लेकिन अब इसका फॉर्मूला भी बता दिया गया है। सीबीएसई कक्षा 12वीं के रिजल्ट को लेकर छात्र काफी कंफ्यूजन में थे, लेकिन अब उनकी समस्या का हल भी हो गया है। कक्षा 12वीं का रिजल्ट किस तरह से तैयार किया जाएगा, उसे लेकर 13 सदस्यीय समिति ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला बताया गया है। छात्रों की मार्कशीट 10वीं 11वीं और 12वीं प्री बोर्ड के रिजल्ट के आधार पर बनाकर तैयार की जाएगी। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।